देखती आंखों और सुनते कानों को मियां अजहर महमूद का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अजहर ब्लॉग 007। तो व्यूअर्स, आज फिर मैं एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ मौजूद हूं लाहौर रेलवे स्टेशन पर, और आज मैं आपको दिखाऊंगा यहां से सुबह की जो रेलगाड़ी चलती है रावलपिंडी के लिए, उसका रेल एक्शन। तो व्यूअर्स, इस रेल एक्शन की ख़ास बात यह है कि मैं आज ये कवर करने आया था कि आज ईद का है तीसरा दिन और काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं ईद के तीसरे दिन में, और इन ट्रेनों में कितना को रश है। और अभी मैं प्लेटफार्म से होके आया हूँ, इंतहाई रश था तमाम ट्रेनों में। जितनी ट्रेनें यहाँ पे खड़ी हैं, खड़े होने की जगह नहीं थी उन ट्रेनों में। मैं वहाँ वीडियो शूट नहीं कर सका क्योंकि काफ़ी फैमिलीज थी इनके साथ, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर सका, लेकिन इसका रेल एक्शन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ से अभी चलने वाली है, क्योंकि अभी 6:55 हुए हैं और इसका टाइम है 7 बजे, पूरे 7 बजे ये लाहौर से निकलती है और 11:30 के करीब ये रावलपिंडी पहुँच जाती है। क्योंकि इसके स्टॉपेज हैं रास्ते पर, सबसे पहला स्टॉप करेगी गुजरावाला, वज़ीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, जेलम से होती हुई गुजर खान से ये रावलपिंडी पहुँचेगी 11:30 के करीब। तो व्यूअर्स, अभी चंद ही लम्हों में मैं आपको दिखाता हूँ जी इसका रेल एक्शन। आप मेरे बैग पे देख रहे हैं आपको GEU 20 लोकोमोटिव जो इसको लीड करेगा आज, तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं जी इसका रेल एक्शन। तो रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। और व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा भी कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो अब जी, अब देखते हैं इसका रेल एक्शन। दोस्तों, इस टाइम आप मेरे सामने देख सक रहे हैं स्क्रीन पर GEU 20 की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। सुबह खराम 101 आप अब प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली है, लाहौर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर होने वाला है उसका। अभी चंद ही लम्हों में वो यहाँ से गुजरेगी, तो मैं उसका आपको रेल एक्शन दिखाऊंगा। उसने 2 विसल हो चुके हैं उसके, अभी 1 विसल होगा और ये चल पड़ेगी। व्यूअर्स, इस टाइम सुबह राम मंदिर वन अब ने अपना डिपार्चर कर लिया है और वो स्लो प्लेटफार्म छोड़ रही है, क्योंकि इस टाइम प्लेटफार्म पे इतना ज़्यादा रश है कि लोग अभी आप देखेंगे कुछ दरवाज़ों में बैठे हुए हैं और अंदर खड़े होने की जगह नहीं है। इतना ज़्यादा रश है अंदर पैसेंजर्स का। आज ईद का तीसरा दिन है और ये सबसे पहली ट्रेन है जो यहाँ से चलती है लाहौर से सुबह के टाइम, सुबह खराम 101 अप रावलपिंडी के लिए GEU 40 4551 इसको जी लीड कर रहा है इस टाइम। GEU 40 की क़यादत में यह ट्रेन आज सफ़र करेगी लाहौर से रावलपिंडी तक।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं ट्रेन इसमें फुल है, खड़े होने की भी जगह नहीं है ट्रेन में। व्यूअर ये थी सुबह खराम 101 अब जो लाहौर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रही है, और इसी ट्रेन के पीछे एक ZCU-206413 आपको नज़र आया। व्यूअर्स ये डिपार्ट कर चुकी है यहाँ से सुबह खराम 101 अब, और बहुत ही ज़्यादा रश था ट्रेन में, आपने देखा ही कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी, यहाँ तक कि एसी क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा रश था। तो आज ईद का तीसरा दिन है और लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। पाकिस्तान रेलवे की एक अच्छी काविश है कि पाकिस्तान रेलवे को अपग्रेड किया जा रहा है नई कोचेस के साथ। दोस्तों इस टाइम आपको मेरे स्क्रीन पर एक ZCU-20 की लाइट नज़र आ रही है जो काफ़ी बर्क रफ्तारी से बढ़ रहा है मेरी तरफ। मैं इस टाइम खड़ा हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर और मेरे सामने आ रही है टू डॉन खैबर मेल एक्सप्रेस जो पेशावर से चल के सवा आठ बजे जिसका टाइम है लाहौर पहुँचने का। तो व्यूअर्स ये आज जल्दी आ गई है क्योंकि 7:15 का टाइम हो रहा है। तो देखते हैं जी इसका रेल एक्शन, आपको दिखाते हैं रेल एक्शन। काफ़ी खूबसूरती से लोकोमोटिव बढ़ रहा है, इसके साथ ही एक शेंटिंग लोकोमोटिव भी खड़ा है जो शेंट कर रहा है बोगी को। आप देख रहे हैं उसके पीछे एक कोच है जो कोच नज़र आ रही है। तो जी देखते हैं इन दोनों का रेल एक्शन पैरेलल एक्शन। तो व्यूअर्स ZCU-20 ने फुल लाइट्स ऑन की हुई हैं और बड़ी स्पीड से वो बढ़ रहा है मेरी तरफ। तो मैं ज़रा साइड पे होता हूँ लाइन से। व्यूअर्स उसने ट्रैक चेंज कर लिया है, जिस ट्रैक के पास मैं खड़ा था उसने ट्रैक चेंज कर लिया है, और आप देख रहे हैं इस टाइम मेरी स्क्रीन पर पैरेलल एक्शन हो रहा है। साथ एक गुरु लोकोमोटिव जिसको गुरु कहा जाता है, शेंटिंग लोकोमोटिव है, उसके साथ ही ट्रेन दूसरी तरफ अपना रुख बदल चुकी है जी। आगे जाने की कोशिश करते हैं। और जी ये खैबर मेल का अराइवल हो रहा है लाहौर रेलवे स्टेशन पर ZCU-206422 के साथ की क्यादत में ये लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंची है। व्यूअर ये तकरीबन इसका 20 मिनट स्टॉप है लाहौर रेलवे स्टेशन पर, और उसके बाद ये कराची के लिए रवाना हो जाएगी पूरे 8 बजे। और व्यूअर आप देख सकते हैं इस ट्रेन पर भी इतना ज़्यादा रश है कि लोग कोचेस से बाहर दरवाज़ों में खड़े हैं, कुछ बैठे नज़र आएंगे, और बहुत ज़्यादा इसमें रश आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कोचेज में कितना ज़्यादा रश है। पेशावर खैबर मेल कराची, तो व्यूअर ये था खैबर मेल टू डॉन का रेल एक्शन जो अभी पेशावर से चल के लाहौर पहुंची है और आगे कराची के लिए अभी थोड़ी देर में रवाना हो जाएगी। तो व्यूअर मिलते हैं किसी अच्छे व्लॉग के साथ दोबारा, तो तब तक के लिए अपने दोस्त अपने होस्ट मियाज़र महमूद को इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।